छत्तीसगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जगह जगह अस्पताल खोला जा रहा है, जिसमें बेहतर इलाज भी हो रहा है, परंतु स्वास्थ्य मंत्रालय की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से अधिकारी बेकाबू हो गए हैं और अपने कर्तव्य भूलकर अन्य कामों में लगे हुए हैं, जिनमें कई जगह लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला बालोद जिला के ग्राम बड़गांव में घटित हुआ है, जहां अस्पताल बंद होने से एक बच्चे की जान चली गई। फिर भी बालोद जिला का स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। ऐसे में अधिकारियों का क्या उपाय है, या तो शासन और प्रशासन ही जाने, परंतु मूलभूत सुविधाएं देने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग नाकाम हो रहा है। इसमें देख, आज सुबह की घटना है। आज 6 बजे की बात है, बच्चे के पिता हॉस्पिटल तक तो आए, लेकिन हॉस्पिटल का ताला बंद था, और ताला बंद था तो सीधा सीधा बात है, यहाँ की कर्मचारियों की गलती है। अनुरोध करते हैं कि लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जिस प्रकार की सुविधा की बात है, आज यहाँ ना सामने ना बेल है, न किसी डॉक्टर का नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मान लो बात कॉन्टेक्ट नंबर सामने रहता तो कोई भी आदमी उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकता था, लेकिन इस अभाव के कारण आज बच्ची की जान गई है। और मैं यही चाहूंगा कि कर्मचारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बहुत ही दुखद घटना है कि आम जनता के सुख सुविधा के लिए, इलाज के लिए बड़ा बड़ा अस्पताल, बिल्डिंग, भवन खोल दिए हैं, न तो यहाँ कर्मचारी रहते हैं, और कर्मचारी रहते भी हैं तो अपनी जवाबदारी से कोई काम करते नहीं है। इसके पूर्व भी आप लोगों ने देखा होगा, आप ही लोग आए हुए थे, दुपचेरा में जैसी अव्यवस्था हुई थी उस समय भी इसी लापरवाही के चलते वहां भी सब व्यवस्था चरमरा गया था। और बेहद दुखद घटना, आज उस घटना को याद करके हम सब बहुत दुखित हैं कि एक छोटी सी बच्ची, चाहे तो इस छोटे से इलाज के लिए यहाँ आए थे, उनका जान बच सकता था, लेकिन इन कर्मचारियों के लापरवाही के कारण एक प्राथमिक इलाज नहीं हो पाया, और उसके पिता ने उसको लेके